हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे पहली बात तो मैं यही कह दूँ कि आप सभी ने बायोलॉजी या मैथ का पेपर देने आज गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी बायोलॉजी या मैथ का पेपर अच्छा गया होगा। मैं दोनों विषय पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं अपलोड किया। तो अब आपका लक्ष्य होना चाहिए, देखिए जैसा भी पेपर गया कोई बात नहीं, अच्छा गया बुरा गया कोई दिक्कत नहीं है, जितना होना था वो तो हो गया। अब आता है हमारा जो इंग्लिश का पेपर है जो 2 तारीख को है, तो उसको अब हमें कंफर्म करना है कि उसमें हमें अच्छा नंबर से पास होना है। तो आज का ये वीडियो इंग्लिश पर ही है। इंग्लिश में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मात्र चार ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं, मात्र चार टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चार टॉपिक तैयार कीजिए, 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा। पासिंग के लिए 33 नंबर चाहिए। जो भी स्टूडेंट आज का ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने कहा है कि 2 दिनों में इंग्लिश की तैयारी हम कराएंगे। तो आज का ये पहला वीडियो है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चार टॉपिक तैयार कर लीजिए, 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं तुरंत कमेंट करके तुरंत भाग जाते हैं, भैया बहुत ही इधर उधर कूद लिए, अभी समय है पढ़ने का, पढ़ाई कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं वो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, बट हमने ले लिया है वुमेन सेफ्टी। तो वुमेन सेफ्टी इन इंडिया मतलब महिलाओं की सुरक्षा पर आपको आर्टिकल लिखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसी को हम देख लेते हैं। आसान शब्दों का हमने प्रयोग किया है, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है? आर्टिकल देख लेते हैं, अनसीन पैसेज भी देखेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट लेटर हैं वो देखेंगे हम, और उसके बाद जो सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है सब हम देखेंगे। निश्चिंत रहना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो देखिए एक एक चीज समझ में आएगा। देखिए हमने लिख दिया वोमेन सेफ्टी, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया भी कह सकता है, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एक करके समझते हुए चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ट्रू, ये सत्य है, डेट ओमेन इन इंडिया आर गिवेन अ प्लेस ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी इन इंडियन सोसाइटी। मतलब क्या कह रहा है, इट इज ट्रू, ये सत्य है, डेट की ओमेन इन इंडिया, भारत की जो महिलाएं हैं, आर गिवेन अ प्लेस ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी, मतलब जो भारत की, मतलब भारत की जो क्या है, इंडिया की जो क्या है महिलाएं हैं, उन्हें लक्ष्मी का, भगवान लक्ष्मी का क्या स्थान दिया जाता है। कह रहा है ना कि ओमेन इन इंडिया आर गिवेन अ प्लेस ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी, मतलब भारत में जो महिलाएं हैं उन्हें जो लक्ष्मी जी के स्थान दिया जाता है, समझ के? उसके बाद कह रहा है इन इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन की जो भारतीय रीति रिवाज में, ठीक है? उसके बाद कह रहा है हाउ एवर, इसी प्रकार वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर, हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वोमेन पोजिशन इन इंडिया, मतलब जो नकारात्मक पहलू है, ठीक है, वोमेन पोजिशन पर जो महिलाओं की स्थिति पर, जो इंडिया में महिलाओं की स्थिति पर जो नकारात्मक पहलू है उसे भी हम अनदेखा नहीं कर सके, नहीं कर सकते, ठीक है ना? कह रहा है ना वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर, हम ये इग्नोर, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या, किसे अनदेखा? कह रहा है कि द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वोमेन पोजिशन इन इंडिया, मतलब भारत में जो स्थिति है, भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, और कैसी स्थिति, निगेटिव एस्पेक्ट मतलब नकारात्मक पहलुओं की जो क्या है पोजीशन है उसे भी हम अनदेखा नहीं कर सकते कि महिलाओं पर कैसे कैसे इस समय पर अत्याचार हो रहे हैं। तो इतनी बात। उसके बाद कहा जा रहा है इन द वेद्स, जो इन द वेद मतलब वेदों में, ठीक है, ओमेन आर ग्लोरिफाइड एज मदर, मतलब जो ओमेन जो महिलाएं हैं उन्हें माता का ग्वालिफायर मतलब महिमा, ठीक है ना? तो जो ओमेन है उन्हें माता के महिमा कहते हैं, ठीक है, मतलब
जो माता जी हैं उनकी महिमा है, ठीक है, तो उसी प्रकार माना जाता है जो प्रत्येक महिलाओं को। फिर से कह रहा है कि हु इज द क्रिएट ऑफ लाइफ, जो क्या करती हैं, जो जीवन को बनाती हैं। कह रहा है बट आज क्या है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, एवरी मिनट, सम वुमेन आर गेटिंग हैरेस्ट एट वेरियस प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। कह रहा है कि बट टुडे मतलब आज, लेकिन आज, एवरी डे, एवरी मिनट, ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, सम वुमेन आर गेटिंग हैरेस्ट, मतलब सम, मतलब कुछ महिलाएं हैं जिसे हमेशा तंग किया जाता है, हैरेस किया जाता है, एट वेरियस प्लेस, अलग अलग स्थानों पर, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब जो हमारे देश है, संपूर्ण देश में अलग अलग स्थानों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तंग किया जाता है, सताया जाता है। इतनी बात समझ के उसके बाद फिर से हम लिखेंगे कि वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते डेट वोमेन आर सेफ इन इंडिया, जो भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये हम नहीं कह सकते बाय सीइंग द लास्ट फ्यू ईयर, मतलब बीते कुछ वर्षों को देखते हुए, बीते कुछ वर्षों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं इंडिया में। उसके बाद कह रहा है क्राइम अगेंस्ट वोमेन, मतलब जो क्राइम हो रहे हैं वोमेन पर, महिलाओं पर, उसको देखते हुए, ठीक है। फिर से कह रहा है कि वोमेन जनरली फील फाइटनेड विल गोइंग अलोंग आउटसाइड एट होम, सॉरी आउटसाइड टू होम। कह रहा है कि जो वोमेन जनरली, महिलाएं सामान्यतः फील, मतलब महसूस करती हैं, फिटनेट मतलब डरती हुई महसूस करती हैं, ठीक है, will going alone outside, मतलब अकेले बाहर निकलने पर, to home मतलब अकेले घर से बाहर निकलने पर वो महसूस कैसे करती हैं, डर का महसूस करती हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिलाएं सामान्यतः घर से अकेले बाहर निकलने पर डर महसूस करती हैं। सिंपल सा है। उसके बाद आगे आते हैं, कह रहा है इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत ही परेशान जनक हम कह सकते हैं बात है, या इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही उदासजनक बात है, ठीक है, डैट वोमेन सिटीजन आर लिविंग विथ फेयर ऑल टाइम, जो वोमेन भारतीय, जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो हमेशा लिव रहती हैं विथ फेयर ऑल टाइम, मतलब हमेशा डर के बीच रहती हैं। यही बात कहा जा रहा है कि वोमेन सिटीजन आर लिविंग विथ फेयर ऑल टाइम, मतलब जो महिलाएं हैं वो हमेशा डर के बीच रहती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लिखा है ए ह्यूज परसेंटेज, मतलब एक बहुत मात्रा में ऑफ वोमेन हैव नो फेयर इन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कह रहा है कि एक बहुत मात्रा, बहुत प्रतिशत में जो महिलाएं हैं, मतलब कह सकते हैं एक अधिक प्रतिशत में जो महिलाएं हैं, हैव नो फेथ इन ऑर्डर, फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, जो कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत अधिक संख्याओं में जो महिलाएं हैं वो कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती हैं, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है कि ए ह्यूज परसेंटेज, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो वोमेन है, जो महिलाएं हैं, है नो फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं करती हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, देयर इज एन अर्जेंट, ये तत्काल आवश्यक है, यह तत्काल जरूरत है या आवश्यक है, टू अंडरस्टैंड, समझना हमें, एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हल करना, ऑफ वोमेन सेफ्टी, ठीक है, ऑफ वोमेन सेफ्टी, ठीक है, मतलब महिलाओं का जो सेफ्टी है उसको सॉल्व करना, ये हमारा क्या है, ये तत्काल आवश्यक है। यही बात है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं आपको फुल नंबर मिलेंगे, ज़्यादा इसको नहीं लिखना होता है ना, ठीक है, इतना आप लिख देते हैं, थोड़ा सा यही मैं कहूँगा, राइटिंग मेरा उतना बेटर नहीं है, ठीक है, आपका बेटर है तो अच्छी बात है, अगर आपका भी थोड़ा सा पुअर है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा, थोड़ा दूर दूर पर लिखिएगा, समझ रहे हैं ना।
तो ऐसे अगर आप लिखते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको फुल नंबर मिलेंगे, 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे, कोई भी नहीं आपको काट सकता है नंबर में। तो पहला आपका 10 नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो टॉपिक हैं उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अनसन पैसेज। देखिए, हमने अनसन पैसेज एक ले लिया है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, जो अनसीन पैसेज होता है ये आप जानते हैं 15 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कितने? 15 नंबर में, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे कि जो अनसीन पैसेज है ये आपसे 15 नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो पहली बात, इतनी बात आप समझ गए। अब अनसीन पैसेज, दूसरी बात ये है, अनसीन पैसेज कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा, मतलब पूछा तो जाता है बट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये एक अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज का मतलब होता है ना तो आपने कभी इसे पढ़ा है और ना ही कभी आपने इसे देखा है, ठीक है। तो उस प्रकार का एक पैराग्राफ देगा, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे 5 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब 5ों क्वेश्चन के आंसर इसी में है और आपको ढूंढ कर लिखना है। मैं सबसे पहली बात यही कहूंगा ना, सब्र रखिएगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जिनको अर्थ निकालने नहीं आता, जिनको हार्ड लगता है इंग्लिश, उनसे मैं खासकर कहना चाहूँगा, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको जो संदेह है ना, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको डर लग रहा है कि सर मैं पास हो जाऊँ इतना ही बहुत है इंग्लिश में, मैं कह रहा हूँ ना, आज के इसी वीडियो में आप पास के संदेह से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। 2 दिन हमने टारगेट लिया है ना, 2 दिन आप हमारे साथ रहिए, ठीक है। देखिए, ये एक पैराग्राफ है, जब भी आपको पैराग्राफ दे, पैराग्राफ से पढ़ने से पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाता है। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, जो ओल्ड मैन है, व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो उदास क्यों था, ठीक है, वो उदास, एक बूढ़ा व्यक्ति उदास क्यों था, ये पूछा जा रहा है। बट हो सकता है कि आपको अर्थ निकालने ना आए, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन बींग डिस्ट्राइजेस बाई सेल्सलेस बाई इक्योरलिंग गोइंग ऑन द एमोंग इज हिज सन, एमोंग हिज सन, वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड सो देम ए बंडल ऑफ स्टिक, ट्राई टूगेदर एंड आस्क इफ एनी वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम फर्स्ट वन एंड देम अनदर ट्राई, बट ऑल दोस दे वेयर ऑल रबस्ट एंड हेफ्टी, ठीक है, यंग मैन दे ऑल फेल्ड, ही देन यूनिटी द बंडल एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच सेपरेटली एंड दिस डिड इजली एंड ऑल द स्टिक वेयर सून ब्रोकन इन टू द पीसेस, थस ही टॉट देम एंड यूनिटी, या यूनाइटेड भी कह सकते हैं, यूनिटी या यूनाइटेड देम वुड बी स्ट्रॉन्ग, बाई डिस यूनिटेड या डिस यूनाइटेड दे वुड बी आल्सो बी वीक। तो ये आपका एक पैराग्राफ है। आप कहेंगे सर समझ में तो कुछ आया नहीं, क्या कैसे हम कर पाएंगे, थोड़ा सा मैं अर्थ निकाल के इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ निकाल कर मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, तभी जाकर आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएंगे। अंत में हम बताएंगे कि क्या ट्रिक हैं जिससे आप आसानी से भी कर पाएंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, बिंग डिस्ट्राइजेस मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति क्या है, परेशान है, डिस्ट्राइजेस मतलब होता है परेशान, एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान है, बाई सेल्सलेस मतलब लगातार परेशान है, सेल्सलेस मतलब लगातार होता है, ठीक है, बाई क्योरलिंग, क्योरलिंग मतलब होता है लड़ाई झगड़े,
मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो लड़ाई लगातार लड़ाई झगड़े से क्या है, परेशान है। गोइंग ऑन एमोंग हिज सन, मतलब उनके हिज सन मतलब उनके जो बेटे हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनके बीच लगातार लड़ाई होने के कारण वो परेशान है। एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वो परेशान है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वन डे, एक दिन, he called them to him, मतलब क्या है, he called them, मतलब उन्होंने उन्हें बुलाया, मतलब बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने बच्चों को बुलाया, to him, अपने पास, ठीक है। एंड सो देम अ बंडल ऑफ स्टिक, और सो देम मतलब क्या, उन्हें दिखाया, ए बंडल ऑफ स्टिक मतलब लकड़ी के गुच्छे को दिखाया, ठीक है। जो क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे लकड़ियां होंगे, उनको एक गुच्छा इस प्रकार बनाकर अब बांध दिया जाता है ना, तो लकड़ी का गुच्छा हम कह सकते हैं, ठीक है। उसे ए बंडल ऑफ स्टिक मतलब लकड़ी के बने हुए गुच्छे को दिखाया, ट्राई टूगेदर, ठीक है, कहा कि ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, टूगेदर साथ मिलकर, एंड आस्क इफ एनी वन, If anyone मतलब यदि कोई of them was strong enough to break them, मतलब बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि ट्राई कीजिए साथ मिलकर ट्राई कीजिए, और उन्होंने क्या कहा, एंड आस, और उन्होंने कहा इफ एनी वन मतलब यदि कोई है, यदि कोई है जो मजबूत है, जो ब्रेक देम मतलब जो लकड़ी के बने गुच्छे को तोड़ सके, जो इस प्रकार लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियां उनको बना हुआ गुच्छा है, उसको कोई ऐसा है जो तोड़ सकता है, जो इतना मजबूत है। वही बात यहां पे कहा जा रहा है कि ट्राई टूगेदर, साथ मिलकर प्रयास करो, ठीक है। एंड आस्क, और उन्होंने कहा इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम, ठीक है, तो कोई ऐसा है जो इसको तोड़ सकता है। फर्स्ट वन, पहले एक गए, ठीक है, मतलब पहले एक, एंड देम एनदर ट्राई, पहले एक फिर से दूसरा गया और ट्राई किया, ठीक है, वही बात है। बट आल दोस दे वे आल रबस्ट एंड हेफ्टी, बट आल दोस, लेकिन जो यद्यपि वो जो लकड़ी का बना गुच्छा था वो बहुत ही मजबूत था, हेफ्टी मतलब रबस्ट एंड हेफ्टी मतलब बड़ा था और भारी था, ठीक है, वही बात है। उसके बाद कह रहा है यंग मैन, जो मजबूत व्यक्ति हैं, जो लड़के हैं, ठीक है, तो यंग मैन दे आल फेल्ड, वो जो मजबूत व्यक्ति हैं वो फेल्ड हो गए, वो हार गए, ठीक है, लकड़ी को नहीं तोड़ पाए, लकड़ी के बने हुए गुच्छे को। ही देम यूनिटी ऑफ बंडल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ही देम यूनिटी ऑफ बंडल मतलब लकड़ी के बने हुए जो गुच्छे हैं, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक इच सेपरेटली, मतलब यहाँ पे कहा गया ही देम ही देन यूनिटी ऑफ बंडल एंड टोल्ड देम, मतलब जो लकड़ी का बना हुआ गुच्छा है ना, उसको कहा गया कि खोल दो, ठीक है, खोल दो, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक इच सेपरेटली, और उन्होंने कहा क्या, मतलब कह रहा है ना कि टोल्ड देम, उन्होंने कहा कि ब्रेक डाउन, तोड़ डालो सेपरेटली, एक एक करके तोड़ डालो, जैसे ये पहले बने हुए थे, ठीक है, उसके बाद इसको नहीं तोड़ पाए जब बने हुए थे, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है उन्होंने कहा कि इसको पहले खोल दो, उसके बाद एक एक करके सेपरेटली आप तोड़ दो, ठीक है। एंड दिस डाइड इजली, एंड ऑल द स्टिक वेयर सून ब्रोकन इन टू द पीसेस, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि दिस डिड इजली मतलब बहुत ही आसानी से, एंड ऑल द स्टिक और सभी स्टिक वेयर सून ब्रोकन इन टू द पीसेस मतलब टूट गए पीसेस में, बहुत ही आसानी से जब वो अलग अलग हो गए तो बहुत ही आसानी से सभी लकड़ियां टूट गई पीसेस में, छोटी छोटी टुकड़ों में, ठीक है। थस इसी प्रकार ही थॉट देम, ठीक है, ही थॉट देम मतलब उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने मतलब क्या, जो बूढ़ा व्यक्ति है उन्होंने पढ़ाया या सिखाया, ठीक है, डेट यूनिटी ऑफ या यूनाइटेड देम
वुड बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उन्होंने क्या सिखाया, डेट यूनाइटेड देम वुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो एकता होती है, यूनाइटेड मतलब एकता, जो एकता होती है एकता में क्या होगा, मजबूत रहोगे। ठीक है, जैसे लकड़ियाँ थी तो वो एकता में एक साथ जुड़ी हुई थी तो वो मजबूत थी, बट लेकिन डिसयूनाइटेड, ठीक है, मतलब जब अलग अलग रहोगे, देम वुड बी ऑलवेज बी वीक, तो हमेशा एक मजबूत रहोगे, सॉरी क्या रहोगे, कमजोर हो जाओगे। मतलब सिंपल में कहा ना, बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपने बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उससे परेशान था, तो उन्होंने सोचा कि एक कोई एग्जांपल से समझाया जाए, तो उन्होंने लकड़ी का बना हुआ एक गुच्छा लिया इस प्रकार, ठीक है, और उस गुच्छे को कहा कि तोड़ दो पहले, उन्होंने नहीं तोड़ पाए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर से कहा कि सभी को अलग अलग कर लो, उसके बाद तोड़ कर देखो, तो जब ऐसा अलग अलग करके उसके बाद तोड़ा गया तो लकड़ियाँ आराम से टूट गए, तो उन्होंने सिखाया कि अगर एक साथ सभी मिलकर रहोगे तो बहुत ही मजबूत रहोगे, ठीक है, कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता है, बट अगर अलग अलग हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाओगे और कोई भी तोड़ सकता है तुम्हें, समझ पा रहे हैं, तो ये तो बात आप भी जानते हैं, ठीक है, एकता में होती है बल, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, कह रहा है कि वाई वाज द ओल्ड मैन सैड, ओल्ड मैन उदास क्यों था, उदास मतलब परेशान क्यों था, तो हम ऊपर ही बताया ना, एन ओल्ड मैन बींग डिस्ट्राइजेस बाय द सेल्सलेस बाई क्योरलिंग गोइंग एन एमोंग हिज सन, मतलब अपने बेटों में हो रहे झगड़े के, लगातार झगड़े के कारण वो परेशान था, यही ना। तो आप थोड़ा सा देखिए, अगर बनाना आए, मैं ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं सिंपल वे में आपको बता दे रहा हूँ, अगर थोड़ा सा बनाने आए तो आप लिख सकते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन, ठीक है, ये सैड, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, द ओल्ड मैन सैड, द ओल्ड मैन सैड, द ओल्ड मैन, ये किस टेंस में है, वाज पास्ट में है ना, द ओल्ड मैन वाज सैड, इस प्रकार थोड़ा सा आप बनाकर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमने लिख दिया, तो द ओल्ड मैन वाज सैड, ठीक है, ओल्ड मैन उदास था, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, और उसके बाद यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, परेशान था क्यों, क्योंकि अपने बेटों में हो रहे लगातार झगड़े के कारण परेशान था, तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रेसेस बाय सेल्सलेस बाय क्योरलिंग गोइंग ऑन अमोंग हिज सन, यहां तक आप लिख सकते हैं पहले का आंसर, ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इतना भी हम नहीं लिख सकते, अगर ऐसी बात है ना, देखिए अभी अगर ऐसी बात है तो आप चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देंगे और कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप लिख देंगे तो 100% सही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि गलत है, तो यहाँ से भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे या इतना लिख कर यहाँ से और यहाँ तक लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये याद रखें, अंडरलाइन ये किया गया है पैराग्राफ में ही, अभी हम अंडरलाइन के भी बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन समझ गए हैं, यहाँ से कितने नंबर आपको मिल गए, 3 नंबर, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन, मतलब व्हाट लेसन, क्या लेसन था, क्या पाठ था, डिड ही टीच मतलब उन्होंने पढ़ाया, हिज सन उन्होंने अपने पुत्र को, अपने बेटों को बताया, कौन से लेसन को, कौन से पाठ्य को अपने बेटों को बूढ़ा जो व्यक्ति था वो बताया या पढ़ाया, तो अभी तो हमने देखा ना, कह रहा है थस ही थॉट देम, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसे पढ़ाया, थस ही टॉट देम मतलब उन्होंने उन्हें पढ़ाया कि यूनिटी, डैट यूनिटी दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब एकता में रहोगे तो मजबूत रहे हुए, बट डिस यूनिटी मतलब अलग अलग हो जाओगे, ठीक है, अलग हो जाओगे, दे वुड बी ऑलवेज टू वीक, मतलब तो अलग अलग हो जाओगे तो आप हमेशा कमजोर रहोगे, यही ने सिखाया, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर दूसरा का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लिख देंगे,
ठीक है, सब्जेक्ट मेन वर्ब को छोड़िए, समय नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, जिनको आ रहा है वो तो कर ही लेंगे, ठीक है, इतनी बात वो समझ रहे हैं, नहीं आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। देखिए यहाँ पे यही बात कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो पकड़ने वाला है, जैसे यहाँ पे टीच है, यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म दे दिया है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, थोड़ा बहुत आप समझेंगे, थोड़ा बहुत अर्थ निकालेंगे, आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख देते हैं, तीन नंबर आपको मिल जाएंगे। मैंने अभी तक पैराग्राफ बहुत सारे देखे हैं, उसमें सबसे हार्ड ये पैराग्राफ है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बहुत सारी इजी मैंने पैराग्राफ हैं जो अनसीन पैसेज है वो हमने कराया है, ज़रूरी नहीं है कि यही अनसीन पैसेज आपके आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना, कोई भी ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है ये नहीं आएगा, बट इससे बहुत सारी इजी आएगा, वो आगे हम ट्रिक आपको बता देंगे कि जिससे आप आसानी से भी कर सकते हैं। फिर से कह रहे हैं एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, जो ये अंडरलाइन पोर्शन है इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है डिस्ट्रेसेस बाय सेल्सलेस बाय क्यूरलिंग, मतलब क्या है, डिस्ट्रेसेस मतलब होता है परेशान, बाय सेल्सलेस, सेल्सलेस मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार परेशान, बाय क्यूरलिंग, क्यूरलिंग मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो इसी को अपने शब्दों में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कर देना है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रेसेस को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं ना लड़ाई झगड़े, मतलब लगातार लड़ाई झगड़े से परेशान, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, जैसे कि सेल्सलेस को हम कंटिन्यूसली लिख सकते हैं, कंटिन्यूसली, क्यूरलिंग मतलब लड़ाई झगड़े को फाइट लिख सकते हैं, वायलेंट लिख सकते हैं, और डिस्ट्रेसेस मतलब परेशान, तो इसको डिस्टर्ब्ड लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, देखिए डिस्ट्रेसेस को मतलब होता है परेशान, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिस्टर्ब्ड बाय कंटिन्यूसली वायलेंट, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए डिस्टर्ब मतलब भी होता है परेशान, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रेसेस मतलब भी होता है परेशान, बाई हमने लगा दिया, सेल्सलेस मतलब होता है लगातार, और कंटिन्यूसली मतलब भी लगातार ही होता है, क्यूरलिंग मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, वायलेंट मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा, या वायलेंट की जगह पर आप फाइट भी लिख सकते हैं, FIGHT, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कौन सा पैराग्राफ आपके दे दें और कैसे क्वेश्चन पूछें, इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा, इसलिए इस बार हम हार्ड ही आपको करा रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी तक इतने हार्ड मैंने पैराग्राफ नहीं देखा, ठीक है, बट ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है गिव ए सूटेबल टाइटल ऑफ एवर पैसेज, मतलब कह रहा है कि गिव द सूटेबल टाइटल, एक सूटेबल टाइटल दीजिए, ठीक है, टू द एवर पैसेज, इस पैराग्राफ को पढ़ने पर क्या आपको एक सूटेबल टाइटल आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, मतलब ये जो पैराग्राफ है इसके पैराग्राफ के क्या आप नाम दे सकते हैं। तो इसमें क्या बात बताया गया है कि अगर साथ रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो आप क्या रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, और अलग अलग हो जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि एकता में बल होता है, ठीक है, एकता में क्या है, बल है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं एकता में बल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ इन यूनिटी हमने लिख दिया, ठीक है, यूनिटी मतलब एकता, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, बल, तो यूनिटी क्या, स्ट्रेंथ इन यूनिटी मतलब एकता में क्या है, बल होता है, ठीक है, एकता में बल, ये हम इसका दे सकते हैं एकता में बल, हिंदी में तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल है, मैं इतना आप लिख देंगे, आपका यहाँ से फिर से तीन नंबर पक्का, यहाँ से भी तीन नंबर पक्का।
तो देख रहे हैं अभी तक चार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 12 नंबर हमारा कंफर्म हो गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, कह रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, मतलब जो ये पैराग्राफ में इस जो फाइंड द वर्ड मतलब कुछ शब्दों को खोजना है, ठीक है, फाइंड करना खोजना है इस पैराग्राफ में विच मीनिंग्स, इनके मतलब वाले, ठीक है, इस पैराग्राफ में है उसको खोजना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कंस्टेंट एंड अनइंडिंग, कंस्टेंट मतलब होता है लगातार, अनइंडिंग मतलब जो कभी समाप्त ना हो, उसे ही ना अनइंडिंग कहते हैं। तो देखिए कंस्टेंट एंड अनइंडिंग, तो कंस्टेंट मतलब लगातार होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो सेल्सलेस, अभी ना हमने पढ़ा सेल्सलेस मतलब भी क्या होता है, लगातार होता है, तो इसका, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्सलेस, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्सलेस हो जाएगा, कॉन्स्टेंट एंड अनइंडिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लगातार और जो कभी समाप्त ना हो, तो उसे सेल्सलेस कहते हैं, अनइंडिंग कहते हैं, ठीक है, ये बात आप समझ गए, सेल्सलेस मतलब भी होता है लगातार। अपसेट मतलब क्या होता है, उदास होता है, उदास होता है, परेशान होता है, यही तो होता है, तो डिस्ट्रेसेस मतलब भी क्या होता है, परेशान होता है, ठीक है, तो यही बात हम लिख सकते हैं डिस्ट्रेसेड, ठीक है, डबल एस है डिस्ट्रेसेस, ठीक है, इसका मतलब भी परेशानी है। उसके बाद कह रहे हैं तीसरा लार्ज एंड हैवी, लार्ज एंड हैवी मतलब, लार्ज मतलब होता है बड़ा, हैवी मतलब भारी, ठीक, बड़ा और भारी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अभी हमने कुछ पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, देख कह रहा है बट आल 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 दोज दे वेयर आल रबस्ट एंड हेफ्टी, ठीक है, मतलब जो लकड़ियाँ हैं वो क्या हैं, बड़े हैं और भारी हैं, ठीक है, रबस्ट एंड हैवी मतलब बड़ा और भारी हैं जो लकड़ियाँ थी, तो लार्ज मतलब भी तो बड़ा होता है, हैवी मतलब भी भारी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं रबस्ट एंड हैफ्टी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा का मतलब, रबस्ट एंड हैफ्टी आप इसका आंसर लिख देंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये हुआ आपका पैराग्राफ जो कि आसानी से हमने हल कर दिया, पांच क्वेश्चन है, तीन तीन नंबर का, 15 नंबर कंफर्म आपका हो गया। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन को आप हल करेंगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ पैराग्राफ से हेल्प लेकर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हार्ड हो सकते हैं, नीचे वाला बहुत थोड़ा सा लगता है स्टूडेंटों को हार्ड है, फिर भी आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज ये तो बहुत ही हमने हार्ड कराया है, इससे आसान ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे यहाँ पे द ओल्ड मैन सेड कहा है, तो इसका एक ही ट्रिक होता है, द ओल्ड मैन सेड है ना, तो इस पैराग्राफ में द ओल्ड मैन सेड कहाँ पर है ये आप ढूंढिएगा, और उससे पहले वाले जहाँ से शुरुआत हुआ है, जैसे यहाँ से शुरुआत हुआ है ही कॉल्ड देम ऐसे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे समाप्त हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो स्टार्टिंग से अंत तक आपको लिख देना है, ठीक है, यही एक ट्रिक होता है, और इसी पर ज़्यादातर 90% जो पैराग्राफ होता है, अनसीन पैसेज होता है, वो सॉल्व होता है। तो इस प्रकार आप भी प्रयास कीजिएगा, और जितना हो सकेगा इसके स्पीडो में हम कराने का आपको प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, और मैं यही कहूँगा ना, लेटर आर्टिकल सेंट्रल आइडिया ये सब हम आपको कराने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेटर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, आज के वीडियो में हम इसको कवर कराते हैं। एक और बात याद रखेंगे, लेटर तो बहुत सारे हैं,
बट मोस्टली आपसे इस प्रकार के लेटर हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मतलब कह रहा है ना, कह रहा है कि फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब हमारा जो निवास है, ठीक है, जो निवास है वहाँ पर जो बिजली की कटौती के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेन, एक शिकायती पत्र लिखना है। समझ रहे हैं, मतलब बिजली कभी आती है कभी जाती है, तो बिजली की कटौती के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी हैं उनके पास एक प्रार्थना पत्र, ठीक है, लिखना है। प्रार्थना नहीं, शिकायती पत्र लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे हम सिखाते हैं आपको, ध्यान से आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे ऊपर आपको लिखा जाता है कि अपना आप कहाँ से रहते हैं, ठीक है, उसको आपको लिखना है। तो भाटपरानी देवरिया में लिख दिया, मतलब भाटपरानी में मैं रहता हूँ, देवरिया क्या है, जिला है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हैं उसका आप नाम लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद डेट देंगे, 2 मार्च 2024 ये डेट है, ठीक है, हमने लिख दिया है। जिस दिनांक को आप लिखना चाहें उसको आप लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवरिया, कहाँ, जहाँ पर आप भेज रहे हैं, जो इस पत्र को ग्रहण करेगा उसका पता आप लिखेंगे। समझ रहे हैं, पहली बात अपना पता, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे दिनांक, उसके बाद पत्र जो ग्रहण करेगा, ग्रहण करने वाले का पता। इतनी बात आप समझ गए, ये मैं आपको समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे अपना पता जो भेज रहा है उसका पता, तो भाटपरानी देवरिया ये मैंने अपना एड्रेस दे दिया, दिनांक क्या है, 2 मार्च 2024 दिनांक हमने दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवरिया जो ग्रहण करेंगे, कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो DM है वही तो ग्रहण करेंगे ना, इस पत्र को लेंगे, उन्हीं के पास हम भेज रहे हैं। उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कि हमारा इस पत्र को लिखने का विषय क्या है, क्यों हम लिख रहे हैं। तो हम लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई में कटौती के कारण प्रॉब्लम, ठीक है, आने के कारण हम ये पत्र लिख रहे हैं। उसके जस्ट निकले लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम आप लिख सकते हैं, तो डियर सर, उसके जस्ट नीचे से आपको लिखना, ये अनिवार्य होता है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझेंगे, इसे अपने शब्दों में ज़्यादातर यही हार्ड लगता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है आई एम अ रेसिडेंट भाटपरानी देवरिया, मतलब क्या कह रहा है, आई एम ए रेसिडेंट भाटपरानी देवरिया, मैं भाटपरानी देवरिया का एक निवासी हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ यू टू शो, आपको दिखाने के लिए, द प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी डार्कनेस, हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बिजली की कटौती के कारण मैं ये पत्र लिख रहा हूँ आपके पास, आपको दिखाने के लिए, यही यहाँ पे कहने का मतलब है। उसके बाद कह रहे हैं वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब वी आर, हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, एक बुरी परिस्थिति में है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, मतलब क्या होता है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं चांसेस, मतलब ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं, ठीक है, संभावनाएं हैं एक्सीडेंट का, ठीक है। ऑन द रोड, जो रोड है उस पर, इंक्रीजिंग इन डार्कनेस, मतलब अंधेरे रात्रि में, ठीक है, जब बिजली कट जाती है, ठीक है, रोड पर बिजली नहीं रहती है, लाइट नहीं रहते हैं, तो डार्क अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा, होता है, और उस समय पर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, स्टूडेंट है जो विद्यार्थी हैं वो लगातार कभी भी पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आई वॉन्ट टू टेक, मैं ये चाहता हूँ टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, आप जो क्या है प्रॉम्प्ट, मतलब तत्काल क्या लें, इस पर एक्शन लें, ठीक है, कार्रवाई करें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सो पावर
सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड बी टेक एनी एक्शन, जिसके कारण जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो भी इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आई सेल बी इंगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मतलब आई सेल बी इंगरलिंग वेटिंग, मैं उत्सुकता के साथ वेट करूंगा, इंतजार करूंगा फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आपके प्रतिक्रियाओं का, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आप लेटर लिख देंगे, उसके बाद नीचे आप लिख देंगे योर फेथफुली, ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई जेड अपना जो नाम हो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप लेटर को लिखते हैं आपको 100% नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार आप लेटर लिखेंगे, सबसे पहली बात अपना पता, दिनांक और जहाँ पर भेज रहे हैं वहाँ का पता आप लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देना अनिवार्य है, ये लिखने के बाद डियर सर या डियर मैडम। उसके बाद यही हमने लिखा है कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, आई एम ए रेसिडेंट भाटपार रानी देवरिया, मैं भाटपार रानी देवरिया का एक क्या है निवासी हूँ, ठीक है, और मैं ये पत्र लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी डार्कनेस, मतलब जो हमारे जो एरिया है वहाँ पर, हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर बिजली की कटौती के कारण मैं यह शिकायती पत्र आपके पास लिख रहा हूँ, यही मतलब है। उसके बाद वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन वी आर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब हमें एक बुरी परिस्थिति में है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इन अ रोड इंक्रीजिंग डार्कनेस, मतलब अंधेरी रात्रि में रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कह रहा है स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, जो विद्यार्थी हैं वो लाइट ना होने के कारण, ठीक है, पढ़ाई प्रॉपरली लगातार नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे उसके बाद कह रहा है आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ इस पर तत्काल आप एक्शन लें, सो इसलिए पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड बी टेक एनी एक्शन, जिसके कारण पावर सप्लाई वाले जो डिपार्टमेंट है वो भी इस पर तत्काल एक्शन ले, आई सेल इंगरली वेटिंग, ठीक है, मैं उत्सुकता के साथ, इंगरली मतलब उत्सुकता, मैं उत्सुकता के साथ इंतज़ार करूंगा फॉर द एक्शन एक्शन टू बी टेक, मतलब मैं उत्सुकता के साथ आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूंगा, वेट करूंगा। तो ये हुआ आपका इम्पोर्टेंट लेटर, मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और हम जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल उसको हम देख लेते हैं स्क्रीनशॉट। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अंतिम इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे सेंट्रल आइडिया हैं, बट मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछ लिया जाता है, जो है माई मदर एट 66, जो माता जी हैं, मेरी माता जी हैं वो 66 वर्ष की हैं, ये इस पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ जाता है। इसको हम कवर कराते हैं, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको जरूर आप तैयार करके जाइएगा, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द पोयम, यह पोयम माई मदर एट 66, जो ये पोयम है माई मदर एट 66, ठीक है, इज कंपोज्ड बाई कमला दास, ये रचित है किसके द्वारा, बाई कमला दास जी के द्वारा, मतलब माई मदर एट 66 कंपोज्ड है, रचित है कमला दास जी द्वारा। उसके बाद कह रहा है दिस पोयम शो द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर, मतलब दिस पोयम, यह पोयम सो दिखाता है द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर, मतलब माता के बिछड़ने के डर को यह पोयम दिखाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, मतलब हर मदर, मतलब उनकी माता जी, उनकी मतलब किसकी, जो कमला दास जी है ना वो अपने माता जी पर ही बताई हैं, ठीक है, तो हर मदर मतलब जो कमला दास जी की माता जी हैं, तो वही कहा जा रहा है हर मदर मतलब कवित्री की जो माता जी हैं, तो उसी को हम कह रहे हैं हर मदर, मतलब उनकी माता इज इन द लास्ट स्टेज, वो अपने अंतिम चरण पे हैं, ठीक है, ऑफ हर लाइफ, मतलब जो कवित्री की माता जी हैं वो अपने जीवन के अंतिम चरण पे हैं, ठीक है, सो इसलिए द पोएट इज फील डेड,
जो कवित्री हैं वो महसूस करती हैं, हर मदर विल पास वे सून, मतलब हर मदर उनकी जो माता जी हैं विल पास वे सून, वो उन्हें जल्द ही गुजर जाएंगी, मतलब उनकी जो माता जी हैं वो जल्द ही गुजर जाएंगी, मतलब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पोएटिस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, जो कवित्री हैं वो स्केयर्ड हो जाती हैं, डर जाती हैं ऑफ दिस थॉट, इस सोच से, मतलब जब ऐसा सोचती हैं कि मेरी माता जी अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, वो अब गुजर जाएंगी, तो इस सोच से कवित्री क्या हो जाती है, स्केयर्ड हो जाती हैं, डर जाती हैं। बट लेकिन टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, मतलब लेकिन जल्द ही उससे बाहर निकलकर, कह रहा है ना टू कम आउट, बाहर निकलकर ऑफ दिस थॉट, मतलब इस सोच से बाहर निकलकर, से लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, ठीक है, से लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, मतलब वो कार से, जो कार है कार के बाहर वो देखती हैं, ठीक है, जो कवित्री हैं वो अपने कार के बाहर देखती हैं। यहाँ पे मैं रोक कर थोड़ा सा मैं कहानी को समझा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको शायद पहली बार सुन रहे होंगे, कहानी नहीं पता तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए जो कमला दास जी हैं ना, कमला दास जी कवित्री हैं जो इसको लिखी हुई है, ठीक है, रचयिता हैं। उसके बाद मैं कह दूँ कि कमला दास जी की माता जी के बारे में ही कमला दास जी बताती हैं, जब वो अपने माता जी जो 66 वर्ष की हो गई होती हैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रही होती हैं, तो उसी समय वो सोचती हैं कि मेरी माता जी अब कुछ ही दिन की मेहमान है, वो जल्दी ही हमसे गुजर जाएंगी, इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। जब ऐसा सोचती हैं तो वो डर जाती हैं, और जब डर जाती हैं तो फिर से डरने के बाद फिर से इस सोच से वो बाहर निकलकर वो अपने कार के बाहर की ओर देखती हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे कि सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वो अपनी कार से बाहर देखती हैं। उसके बाद आगे समझते हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ फुल एंजॉय, ठीक है, द वर्ल्ड मतलब जो संसार है आउटसाइड बाहरी ओर, वाज फुल जॉय एंड एक्टिविटीज, मतलब जो बाहरी संसार है वो पूरी तरीके से आनंद में और हलचल में है, मतलब कहें तो वो जो बाहर देखती हैं तो उन्हें लगता है कि संसार बहुत ही खुश है और आनंद में है, ठीक है। उसके बाद द यंग ट्री, जो मजबूत ट्री है, सिम्स रनिंग फास्ट, ऐसा प्रतीत होता है, उनको लगता है कि जो ट्री हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो तेजी से गति कर रही हैं, दौड़ रही हैं, समझ रहे हैं, जैसे कार अगर ऐसे चलाते हैं, और जैसे कार अगर ऐसे चल रहा है इस रोड पर, और यहाँ पे कोई पेड़ पौधे हैं इस प्रकार, सपोज डैट ये कोई पेड़ पौधे हैं, तो अगर आप इधर जा रहे हैं ना, तो ऐसा लगेगा कि ये पेड़ पौधे जस्ट इसके अपोजिट इधर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि द यंग ट्री, जो मजबूत ट्री है, सिम्स रनिंग फास्ट, ठीक है, वो तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड और चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, जो बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर जा रहे होते हैं, तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं एट एयरपोर्ट, उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचकर, ठीक है, एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जो अब अपने माता जी को छोड़ने जा रही होती हैं, तब का ये घटना है। उसके बाद जब एयरपोर्ट पहुंचती है अपने माता जी के साथ, तब क्या होता है, कह रहा है सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो दोबारा, सी लुक्ड, वो देखती हैं, सी लुक्ड अगेन, वो दोबारा देखती हैं एट हर मदर, अपनी माता जी को, सी फेल्ट पेन टू लुक्ड एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, यहाँ पे कहा जाए सी फेल्ट पेन, उन्हें बहुत दर्द होता है, ठीक है, टू लुक्ड एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपने माता जी का जो उतरा हुआ चेहरा और पीला हुआ चेहरे को देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। उसके बाद कह रहा है कि बट हाइडिंग हर टायर्ड, अपने आंसू को छुपाते हुए, ठीक है, द पोएटिस सैड, कवित्री कहती हैं सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे माँ, समझ रहे हैं। तो यही है आपका माई मदर एट 66 की सेंट्रल आइडिया, जो 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया है। अभी तक हमने टोटल 4 टॉपिक को कवर किया है, ठीक है, तो क्या क्या हमने कवर किया, आर्टिकल कवर कर लिया है वोमेन सेफ्टी पर, फिर से हमने अनसीन पैसेज कवर किया है, फिर से लेटर हमने कवर किया है, उसके बाद फिर से अंतिम में हमने सेंट्रल आइडिया देखा। तो
तो अगर हम टोटल देखें तो हमारा होता है 39 नंबर, लगभग 40 नंबर हमने इस वीडियो में कवर करा दिया है। और आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए, ओनली 33 नंबर आपका आ जाए आप पास हैं, बट 40 नंबर 39 नंबर आपका कवर हमने करा दिया है। तो ये तो पहला वीडियो है, दो दिन में हमने कवर कराने को कहा है पूरी इंग्लिश को। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और सबसे खास बात कि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कल भी जो वीडियो अपलोड होगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम लगभग 40 से 50 नंबर का हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर इसका 40 नंबर का ये हो गया और मान लेते हैं 50 नंबर का उसमें हम बता दें, तो 90 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। दो दिन में हम तैयारी कराने वाले हैं, बात समझ ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।